अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक रिज़ल्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है और ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है मल्टीपल अलजब्राइक एक्सटेंशन का, किसके साथ? सिंपल अलजब्राइक एक्सटेंशन के साथ। थ्योरम क्या है आपके पास? अ मल्टीपल अलजब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ इज़ अ सिंपल अलजब्राइक एक्सटेंशन। के जो मल्टीपल अलजब्राइक एक्सटेंशन कौन सी थी जिसमें आपके पास अलजब्राइक नंबर्स एक से ज़्यादा थे? मतलब हमने लिखा था के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा 1, 2 एंड सो ऑन। एक से भी ज़्यादा हो तो उसको आप मल्टीपल कहते हैं। अगर आपके पास सिंपल एक अलजब्राइक नंबर हो तो उसको आप क्या कहते हैं? सिंपल अलजब्राइक एक्सटेंशन कहते हैं। अब हमने ये शो करवाना है कि जो मल्टीपल है उसको आप सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, लेट अल्फ़ा बीटा, मल्टीपल है तो कम से कम दो अल्जब्राइक नंबर्स होंगे, लेट अल्फ़ा बीटा बी अल्जब्राइक ओवर एफ। टू प्रूव द थ्योरम इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। मतलब अगर आपने इस रिज़ल्ट को शो करना है तो जस्ट ये प्रूव करना काफ़ी है कि एफ़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एफ ऑफ थीटा के इक्वल है। इट मीन्स ये वाला आपके पास मल्टीपल अलजब्राइक एक्सटेंशन है और ये वाली सिंपल अलजब्राइक एक्सटेंशन है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। जहाँ पे थीटा से रिलेटेड है, वेयर थीटा इज़ सम अलजब्राइक ओवर एफ। थीटा आपके पास अलजब्राइक ओवर एफ है बिकॉज़ इफ़ के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3। अब हमने दो ही नंबर क्यों लिए हैं? क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी लें तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। किस फॉर्म में? पहले दोनों को आपने पेयर कर लिया, फिर उसके बाद अल्फ़ा 3 कर दिया। वी कैन राइट इट एज़ के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अप्लाई द रिज़ल्ट डिवाइस। और फिर आप क्या करें, इस पर एक और दफ़ा रिज़ल्ट अप्लाई कर लें तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? सिंपल एक्सटेंशन बन जाएगी। सिमिलरली फॉर के इज़ इक्वल टू, और इसी पैटर्न पे जब आप 3 के लिए प्रूफ कर लेते हैं तो आप इसको एन अलजब्राइक नंबर्स के लिए भी इसको शो करवा सकते हैं कि जो मल्टीपल अलजब्राइक एक्सटेंशन है वो एक्चुअली सिंपल अलजब्राइक एक्सटेंशन होती है। लेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन, अल्फ़ा एन, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन, बीटा एम बी कॉन्जुगेट्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली ओवर एफ। कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आपने क्या की थी कि ऐसे नंबर्स जिनको अगर आप तमाम को ऐड करें तो आंसर क्या है? 0 है। ये आपके पास अलजब्राइक नंबर्स हैं। इसके बाद अभी आपने डिफाइन किया था ये कॉन्जुगेट्स हैं। आप चूंकि अल्फ़ा बीटा क्या है? अलजब्राइक ओवर एफ है और ये इसके तमाम कॉन्जुगेट्स हैं। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा भी इन्हीं में से कोई एक होंगे। तो हमने कह दिया कि जो पहला नंबर है उसको हमने अल्फ़ा कह दिया, यहाँ से जो बीटा 1 है उसको बीटा कह दिया। एज़ कॉन्जुगेट्स ओवर एफ आर डिस्टिंक्ट, अब हमें ये पता है कि जितने भी कॉन्जुगेट्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? डिफरेंट हैं। सो बीटा के इज़ नॉट इक्वल टू बीटा 1। इसलिए जो बीटा के जो है कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर के जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। सारे डिफरेंट हैं तो किसी भी नंबर के लिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। हैंस फॉर ईच आई एंड ईच के नॉट इक्वल टू 1 द इक्वेशन। अब इसमें जो है आपके पास ये सारे कॉन्जुगेट्स हैं, इनके अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो क्या बनता है? अल्फ़ा आई प्लस एक्स बीटा के। ये किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा 1। मतलब अगर आप आई और के को 1-1 कंसिडर कर लें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। हैज़ एट मोस्ट 1 सोल्यूशन। अब अगर आप इसका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं तो एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाके एक्स को आपने कॉमन ले लिया, इसका जो सोल्यूशन है वो किस में एग्जिस्ट करेगा? नंबर फील्ड में एग्जिस्ट करेगा। एज़ देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ सच इक्वेशंस। अगर आप इसमें देखें तो अल्फ़ा और बीटा दोनों फाइनाइट हैं। अल्फ़ा जो है 1 से लेके के तक है, बीटा जो है वो 1 से लेके एम तक है। इट मीन्स इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होंगे? वो भी फाइनाइट होंगे। सो देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ सच सोल्यूशंस, टेक नंबर सी नॉट इक्वल टू 0 इन एफ डिफरेंट फ्राम ऑल द सोल्यूशंस। अब हमने एक नंबर सी कंसिडर किया फील्ड में जो कि तमाम सोल्यूशन से डिफरेंट है, और यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? सी पुट कर दिया। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो एक्स की जगह पे आपने क्या पुट किया? सी पुट किया, और अल्फ़ा 1 आपका अल्फ़ा के इक्वल था वो पुट किया, बीटा 1 बीटा के इक्वल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास क्या आया कि आपने ये लेट कर लिया अल्फ़ा प्लस सी बीटा को थीटा के इक्वल लेट कर लिया, और जो कि आपके पास इसके इक्वल नहीं है इसको आपने थीटा के इक्वल कह दिया। नाउ वी शो दैट, अब आपका एक ही टारगेट है, आप क्या शो करें कि एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल है? एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा के इक्वल है।
इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने किया कि एफ ऑफ थीटा जो है वो नंबर फील्ड है, तो हमने कहा आर ऑफ थीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा, सो इट कैन बी रिटन यूनिकली इन द फॉर्म। नंबर फील्ड का अगर आप कोई एलिमेंट आर ऑफ थीटा लेते हैं, तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जो प्रीवियस थ्योरम में भी डिस्कस किया था कि आर ऑफ थीटा को आप लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन थीटा प्लस ए टू थीटा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एक पावर कम तक। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा है उसकी जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, अल्फा प्लस सी बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस सी बीटा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा प्लस सी बीटा पावर एन माइनस वन। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे सारे थीटा मौजूद हैं और राइट साइड पे सारे क्या आ गए, अल्फा बीटा आ गए। इट मीन्स आपने एलिमेंट लिया था एफ ऑफ थीटा का, वो किससे बिलोंग कर गया, एफ ऑफ अल्फा बीटा से। तो आपके पास ये शो हो गया कि एफ ऑफ थीटा इज़ अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ अल्फा बीटा, इक्वेशन नंबर वन बन गई वन। अगर आप ये शो करवा दें कि एफ ऑफ अल्फा बीटा इज़ अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ थीटा और दोनों को आप कंपेयर करके इक्वल कर दें, तो आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसको शो करवाने के लिए अब हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि ये जो दोनों अल्फा बीटा है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ ऑफ थीटा से बिलोंग कर रहे हैं। वी ओनली प्रूव दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा बिकॉज इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा देन दे विल बी ऑफ द फॉर्म। अगर अल्फा बीटा एफ ऑफ थीटा से बिलोंग करेगा तो अल्फा बी किसी आर ऑफ थीटा के इक्वल आएगा और बीटा भी किसी एस ऑफ थीटा के इक्वल आएगा एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा बीटा विल बी ऑफ द फॉर्म। और इसका हर एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, यू ओवर वी की फॉर्म में होगा। अल्फा बीटा यहाँ पे हमने लिखा, अल्फा की जगह पे हमने आर ऑफ थीटा को रिप्लेस किया, बीटा की जगह पे एस ऑफ थीटा को रिप्लेस किया। राइट हैंड साइड पे जस्ट थीटा मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा बीटा मौजूद है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा, बे की आपका टारगेट रह गया कि अल्फा बीटा किससे बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ थीटा से बिलोंग कर रहा है। वी ओनली प्रूव दैट बीटा बिलोंग्स टू एफ ऑफ थीटा, ये दोनों शो करवाने के लिए अगर आप सिंपल ये शो करवा दें कि बीटा किससे बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ थीटा से। रीज़न क्या थी, आपके पास थीटा किसके इक्वल था, अल्फा प्लस सी बीटा से, तो थीटा तो ऑलरेडी थीटा में जाता है। अगर आप यहाँ पे बीटा को भी शो करवा दें, मतलब थीटा माइनस सी बीटा, आपके पास अल्फा है, तो अगर सिंपल सी बीटा उसमें चला जाता है, बीटा उसमें चला जाता है आपके पास एफ़ में, तो अल्फा ऑटोमेटिकली एफ़ में चला जाएगा। सो फॉर दिस वी प्रोसीड एज फॉलोज, इसके लिए हमने क्या किया, बीटा को जस्ट बिलोंग करवाना था। लेट एफ ओफ एक्स जी ओफ एक्स बी मिनिमल पोलिनोमियल्स फॉर अल्फ़ा एंड बीटा। हमने एफ ओफ एक्स अल्फ़ा के लिए मिनिमल पोलिनोमियल ली, तो एफ ओफ अल्फ़ा क्या आएगा, ज़ीरो, और जी ओफ एक्स बीटा के लिए मिनिमल पोलिनोमियल ली तो जी ओफ बीटा क्या आएगा, ज़ीरो। अल्फ़ा की जगह पर ये वाली वैल्यू रिप्लेस की तो थीटा माइनस सी बीटा क्या आ गया, ज़ीरो, और यहाँ से जी ऑफ बीटा क्या है, ज़ीरो। इसका मतलब एफ और जी का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या है, बीटा। दैट इज़ बीटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स, बीटा की जगह पे आपने क्या लगा दिया, सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और बीटा जो है वो जी ऑफ एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब बीटा इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ बीटा इज़ कॉमन रूट ऑफ एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ द ओनली रूट ऑफ एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये एक ही इसका सोल्यूशन है, विच इज़ इन कॉमन बिकॉज इफ फॉर द रूट्स, क्योंकि अगर इसमें से भी कोई रूट्स होते तो इसका मतलब ये वाला क्या बनता, ज़ीरो बनता। फॉर सम के नॉट इक्वल टू वन देन थीटा माइनस सी बीटा के वुड बी वन ऑफ अल्फ़ा आई। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है और ये बीटा में से नहीं है, तो इसका मतलब इसके जो बाकी कॉन्जुगेट्स हैं वो अल्फा आईज हैं, इसका मतलब ये किसी एक अल्फा आई में होगा, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन टू द चॉइस। इसका मतलब ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। वी हैव नाउ एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स इन एक्स विद कोफिशेंट्स इन एफ ऑफ थीटा, दे आर पोलिनोमियल्स ओवर एफ ऑफ थीटा एंड हैव एग्जैक्टली वन रूट बीटा इन कॉमन। इन दोनों का एक ही रूट है जो कि बीटा है, कॉमन रूट है।
अब अगर बीटा इन दोनों का सोल्यूशन है तो हमने एक और नई पॉलिनॉमियल जो है वो लेट कर ली, लेट एच ऑफ एक्स बी मिनिमल पॉलिनॉमियल फॉर बीटा। अब बीटा के लिए आपके पास ये दो पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट कर रही थी, अब आपने एक नई पॉलिनॉमियल को नाम दे दिया जिसको आपने कहा कि एच ऑफ एक्स है और बीटा क्या है उसका, उसके लिए मिनिमल पॉलिनॉमियल है। अब अगर बीटा मिनिमल पॉलिनॉमियल है और बीटा एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जी ऑफ एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स जो मिनिमल पॉलिनॉमियल है वो इसको भी डिवाइड करेगी और जी ऑफ एक्स को भी डिवाइड करेगी। क्यों डिवाइड करेगी? क्योंकि आपने अभी डिस्कस किया है कि जो मिनिमल पॉलिनॉमियल है इज़ द फैक्टर ऑफ द अदर पॉलिनॉमियल सेटिस्फाइड बाय थीटा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एच ऑफ एक्स मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ एफ थीटा माइनस सी एक्स को डिवाइड कर रही है, जी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? लीनियर। इट मीन्स जो उसको डिवाइड कर रहा है या तो वो लीनियर होगा या फिर वो क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट होना चाहिए। हेयर डिग्री ऑफ एच ऑफ एक्स इज़ वन, अदरवाइज जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ थीटा माइनस सी एक्स वुड हैव मोर देन वन रूट इन कॉमन। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि एच ऑफ एक्स की डिग्री क्या होगी? वन होगी, लीनियर पोलिनोमियल होगी। अगर ये लीनियर होगी तो हमने एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू गैमा ऑफ एक्स प्लस डेल्टा लेट कर लिया, और ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? एफ ऑफ थीटा से। एक्स की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया? बीटा रिप्लेस किया। रीज़न क्या थी? एच ऑफ एक्स जो थी वो बीटा के लिए मिनिमल पॉलिनॉमियल थी, इट मीन्स ये इसको करेगी सेटिस्फाई। एच ऑफ बीटा की जगह पे आ गया जीरो, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये आ गया। इसको सॉल्व करें तो बीटा की वैल्यू आ गई माइनस गैमा ओवर डेल्टा, माइनस डेल्टा ओवर गैमा। अगर आप देखें तो ये एफ ऑफ थीटा से बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब दोनों की डिवीजन भी उसी में जाएगी। जब डिवीजन उसी में चली गई तो बीटा किससे बिलोंग कर गया? एफ ऑफ थीटा। जब बीटा एफ ऑफ थीटा से बिलोंग कर गया तो अल्फा जो है वो थीटा माइनस सी बीटा था, मतलब बीटा एफ ऑफ थीटा में चला गया, थीटा ऑलरेडी एफ ऑफ थीटा में था, तो अल्फा किससे बिलोंग कर गया? एफ ऑफ थीटा से। इसका मतलब कि एफ ऑफ अल्फा बीटा किसका सबसेट हो गया? एफ ऑफ थीटा का। दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा आ जाता है, और इस तरीके से आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी नॉन जीरो पॉलिनॉमियल्स ओवर एफ। ये नॉन जीरो पॉलिनॉमियल्स हैं ओवर एफ, रिलेटिवली प्राइम। दूसरी इनकी इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। देन देर एग्जिस्ट पॉलिनॉमियल्स एस नॉट ऑफ एक्स टी नॉट ऑफ एक्स ओवर एफ सच दैट। इसका मतलब अगर ये एफ और एक्स आपस में, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स रिलेटिवली प्राइम हैं, तो इनके साथ नॉड वाली पॉलिनॉमियल एग्जिस्ट करेंगे कि इनका कम्बिनेशन का आंसर क्या आ जाता है? वन। ये भी नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में आता है। सबसे पहले हमने एक सेट लेट कर लिया कि टी आपके पास एक सेट मौजूद है जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन मौजूद है, जहाँ पे एस ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स जो है वो क्या है? हैव कोफिशेंट्स इन द फील्ड एफ। अब आपने क्या किया कि ये जो वाली जो है इस तरह के तमाम पॉलिनॉमियल्स इसमें मौजूद हैं, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई मिनिमल लोएस्ट डिग्री पॉलिनॉमियल भी एग्जिस्ट करेगी। हमने डी ऑफ एक्स को क्या नाम दिया कि ये जो है ये लोएस्ट डिग्री पॉलिनॉमियल है, सो मे बी अ कॉन्स्टेंट बट नॉट जीरो। नाउ एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन डी ऑफ एक्स, सो देर एग्जिस्ट पॉलिनॉमियल्स। अब आपको पता है ये मिनिमल डिग्री की पॉलिनॉमियल है, इट मीन्स जो मिनिमल डिग्री की पॉलिनॉमियल है वो किसको डिवाइड करेगी? एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करेगी। डिवीजन एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा? मिनिमल आपके पास डी ऑफ एक्स है, इसको हमने क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई किया क्यू वन ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। अब आर ऑफ एक्स पे ये कंडीशन है कि आर ऑफ एक्स जो है या तो कॉन्ग्रेंट टू जीरो होगा, या फिर इसकी जो डिग्री है जो है वो किससे लेस होगी? ये डी ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स से आप डिवाइड कर रहे थे ना, तो इट मीन्स ये जो रिमाइंडर है ये डी ऑफ एक्स से क्या होगा? छोटा होगा। जबकि डी ऑफ एक्स हमने कह दिया था कि ये पॉलिनॉमियल है लोएस्ट डिग्री की, इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक ही कंडीशन है आर ऑफ एक्स क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपने यहाँ पर आर ऑफ एक्स की जगह पर ज़ीरो को रिप्लेस कर दिया। आर ऑफ एक्स आपके पास था एफ ऑफ एक्स माइनस क्यू वन एक्स डी ऑफ एक्स, एंड नो पॉलिनॉमियल इन टी इज़ ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ डी ऑफ एक्स, ओनली पॉसिबिलिटी इज़ दैट आर ऑफ एक्स इज़ कॉन्ग्रेंट टू जीरो। जब आपने इसको जीरो के इक्वल रखा तो एफ ऑफ एक्स आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड पॉलिनॉमियल्स क्यू टू ऑफ एक्स। जब आपके पास डी ऑफ एक्स मिनिमल पॉलिनॉमियल थी तो डी ऑफ एक्स से आपने जब जी ऑफ एक्स को डिवाइड किया तो आपके पास जी ऑफ एक्स आ गया
क्यू टू ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है। हेयर डी ऑफ एक्स इज़ कॉमन डिवाइज़र ऑफ बोथ एफ ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में भी डी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स में भी डी ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये दोनों का क्या है, कॉमन डिवाइज़र। एज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर रिलेटिवली प्राइम। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, इट मीन्स इनका जो कॉमन है वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो सकता है। सो डी ऑफ एक्स इज़ कॉन्स्टेंट एंड डी ऑफ एक्स नॉन जीरो है, डी ऑफ एक्स टी से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स डी ऑफ एक्स आपके पास इस फॉर्म में होगा। अब अगर आप डी ऑफ एक्स के साथ दोनों साइड को डिवाइड करें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम नया नाम दे देते हैं एस नॉट और टी नॉट का, और यहाँ तक आपका जो है वो सोल्यूशन कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ये जो गॉस लेमा है ये भी हम ऑनलाइन लेक्चर में कर चुके हुए हैं, आइजनस्टाइन से रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको प्रॉपर इसका लेक्चर शेयर किया हुआ था। इसके बाद ये आपके पास एक स्पेशल पॉलिनोमियल है, आपने इसको शो करवाना है कि ये रिड्यूसिबल है, तो आइजनस्टाइन से रिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया यूज़ किया जा सकता है, तो इसको आपने देख लेना। लेक्चर भी मैं शेयर कर दूंगी, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर दूसरी वीडियो है उसको शेयर कर दूंगी। ये नेक्स्ट वाला भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ थीटा इज अलजेब्रिक ओवर एफ इट हैज़ यूनिक मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर थीटा अलजेब्रिक ओवर एफ होगा तो ये यूनिक मिनिमल पॉलिनोमियल रखेगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।